हर महीने पेड़ काटने के 60,000 मिलते हैं ना। फिर मैंने अपनी एक किडनी भी बेच दी, उससे 12 लाख मिले। दाई आंख के मिले 3 लाख। मैंने तो अपना एक अखरोट भी बेच दिया। कितने मिले थे उसके? शायद 1 लाख भी नहीं मिले। और इस सब के बाद भी मुझ पर करीब 3,80,00,000,000 येन का कर्जा है। पोचिता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। चलो जाकर उसे खत्म करते हैं। किसी डेविल को मारने पर 3 लाख तो मिल ही जाएंगे। डेविल का शिकार करने पर सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। की लाश की बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। मैं तुम्हें इसके 4 लाख दूंगा। शुक्रिया। तुम्हारा कर्जा और ब्याज निकालकर 1,70,000 बचते हैं, और इस डेविल को ढूंढने की फी, एडमिन फी, मैनेजमेंट कॉस्ट और बाकी खर्चे निकाले तो सिर्फ 70,000 येन बचे। सच कहूं तो मुझे लग नहीं रहा कि इनसे काम बनेगा। पानी का बिल और दूसरे बिल्स निकाल दूं तो सोचकर भी हंसी आती है। इस हिसाब से तो 1,800 येन ही बचते हैं। घर में खाने को कुछ है नहीं, और इतने से पैसों से पूरा महीना निकालना पड़ेगा तो पोचिता, लगता है आज रात ब्रेड से ही काम चलाना पड़ेगा। डेविल का शिकार करने के लिए हमेशा इस लड़के को क्यों लेते हो? ताकि उसके ऊपर जो कर्जा है वो उतार सके। वैसे देखा जाए तो वो कर्जा उसका नहीं, उसके बाप का था। जिस लड़के का पेट खुद ही एक डेविल हो, क्या वो ये काम पूरा कर सकता है? असली डेविल्स का शिकार करने वालों की खासियत ये होती है कि वो डेविल्स की लाश को याकुजा को नहीं बेचते। वैसे भी डेंजी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हर बात मानता है। ओए चंडू, ये सिगरेट खाएगा तो तुझे 100 येन दूंगा। क्या बात कर रहे हो? अरे लाओ दो, अभी खाता हूं। दूसरा डेविल मिलते ही तुम्हें बता देंगे। भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। इससे 3 दिन का तो गुजारा हो जाएगा। तुम्हें पता है, एक दिन मैंने सुना था कि लोग ब्रेड खाने से पहले उस पर जैम लगाते हैं। लेकिन आम लोगों जैसी जिंदगी जीना हमारे नसीब में कहाँ है। पता नहीं मरने से पहले यह कर्जा चुका भी पाऊंगा या नहीं। यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं बिना गर्लफ्रेंड के ही मर जाऊंगा। वैसे भी कौन सी लड़की इस कबाड़ खाने में आना चाहेगी? डेट पर जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। पता है, मेरा बस एक ही सपना है कि मरने से पहले किसी लड़की के संतरे दबाने हैं। कमीने ने आत्महत्या कर ली, वो भी इस महीने की पहली किस्त चुकाए बिना ही। सुन लड़के, तेरे पास 7 लाख जुटाने के लिए कल तक का समय है। भीख मांग, नंगा हो जा, जो करना है कर। मुझे कल तक अपने पैसे चाहिए, वरना तेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। चेनसॉ, ये तो एक डेविल है। अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, वैसे भी मरना ही है मुझे। इसे तो चोट लगी है, क्या तुम भी मेरी तरह मरने वाले हो?
काटो मुझे। मैंने सुना है कि खून पीने से डेविल के घाव भर जाते हैं, अगर मरना नहीं चाहते तो काटो। लेकिन मेरा खून ऐसे ही नहीं मिलेगा, तुम्हें एक सौदा करना होगा। अगर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं तो तुम्हें मेरी करनी होगी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। क्यों ना आप मुझे डेविल हंटर के तौर पर हायर करें। भूखे पेट बिल्कुल नींद नहीं आती, जब नींद नहीं आती तो पैसों का ख्याल आता है और फिर नींद आना और भी मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है कि मैं सपने में क्या देखना चाहता हूं। मैं ब्रेड पर जैम लगाकर खाऊंगा और साथ में तुम्हें भी दूंगा, और फिर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करूंगा, उसके साथ वीडियो गेम खेलूंगा और फिर हम एक दूसरे की बाहों में सो जाएंगे। मस्त है ना सपना? मैंने सुना था कि मेरी माँ दिल की बीमारी से मरी थी और उन्हें भी खून की उल्टियां होती थी। डेंजी, एक डेविल का पता चला है, काम पर चलने का समय हो गया। कैसे लोग हैं यार, सपना भी नहीं देखने देते। आपको किसने कहा कि यहां पर कोई डेविल है? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लगता है वो कहीं छुपा होगा, या हो सकता है वो यहां से जा चुका हो? डेन जी, हम तेरे बहुत ही एहसान मंद है बच्चे। ऐसा क्या? तू बहुत ही वफादार कुत्ता है और कुत्ते की तरह हर तरह के काम करता है। ओह। मगर प्रॉब्लम यह है कि मुझे उनकी बदबू बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अब याकुजा भी बड़ा होना चाहता है और वो भी ज्यादा पैसे कमाकर अमीर बनना चाहता है, और इसीलिए तेरी तरह हमने एक और डेविल के साथ सौदा कर लिया है। हम चाहते कि सारे डेविल की शक्तियां हमें मिल जाएं। और मुझे शैतान का शिकार करने वालों का सर चाहिए, सर चाहिए। क्या तुम इस बात को जानते हो मेरे बच्चे? ये लोग निहायत ही बेवकूफ होते हैं, बिल्कुल बेवकूफ। मैंने उन्हें थोड़ी सी शैतानी शक्ति क्या दी, ये सारे तो मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए। भले ही फिर ये शक्ति उन्हें ज़ॉम्बी क्यों न बना दे, क्योंकि मैं हूँ ज़ॉम्बी डेविल। और मुझे शैतानों का शिकार करने वालों से नफरत है, क्योंकि वो शैतानों को मारते हैं, इसलिए मैं तुझे मारने वाला हूँ। लड़कों, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो और उसे कचरे में फेंक दो। यहां से कैसे निकलूं?
मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे एक आम जिंदगी मिल जाए। क्या मेरे नसीब में वो भी नहीं लिखा हुआ? पोचिता, उठ जा, काम पर चलना है। पोचिता, ये मुमकिन है कि मैं एक दिन किसी डेविल से लड़ते हुए मर जाऊं, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि तू अकेला रह जाएगा और भूख के मारे तेरी भी मौत हो जाएगी, या हो सकता है कोई और डेविल आकर तेरा शिकार कर ले। पता है, मैंने सुना है कि कुछ डेविल ऐसे होते हैं जो लाशों को वश में कर सकते हैं। अगर तू भी ये कर सकता है तो मैं चाहता हूं कि तू मेरा शरीर ले जाए। अगर तू मुझे दफनाने तक रुक जाए तो याकुजा तुझे नहीं पकड़ पाएगा, है ना? और फिर तू यहां से बाहर निकल पाएगा और फिर मैं चाहता हूं तू एक आम जिंदगी जिए और उसके बाद एक आम मौत मरे। मेरे इस सपने को तू पूरा करेगा ना? पोचिता, जैसा मैंने बोला था, क्या तूने मेरा शरीर ले लिया? मुझे हमेशा से तुम्हारे सपनों के बारे में सुनकर अच्छा लगता था डेंजी। तो हमारे बीच सौदा रहा, मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा और बदले में मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना सपना दिखाओ। पोचिता, मैं ठीक हूं। पोचिता, ये कैसे हो सकता है? टुकड़े किए जाने के बाद भी जिंदा, और अब तो ये जुड़ भी गया। मैं इन सारे डेविल हंटर्स से नफरत करता हूं। लड़कों, जाओ खानों से। इन सब के पास तो पहले से ही सब कुछ था, तो फिर इन्हें और पाने का लालच क्यों था? क्या मैं भी ऐसा ही हूं? मैं पोचिता के साथ अपनी खुशियों से संतुष्ट नहीं था और मैं बेहतर जिंदगी के सपने देखता रहा। शायद हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो मैं तुम लोगों को दोष नहीं दे सकता और दूंगा भी नहीं। लेकिन अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो मरोगे। खाने के बाद तो ये दोबारा जिंदा नहीं होगा। Yeah.
शरीर में पहुंच गया, यानी अब तुम भी हमारे जैसे हो।